अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। बंटवारा बेटियों का, आपने मुझे मोहलत दे दी तो मैं समझ लें कि मैं प्लान बना लिया मैंने। अब देखिएगा, आप ये पैसे मैं आपको वापस करूंगा सूद समेत। नहीं नहीं जुबैर, ये गलत बात है, सबा ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे ही हुआ होगा समीना, जहूर जो है उसके बाप का दोस्त है ना, सबा के बाप का, उसने उससे फोन पर बात की होगी, उसने उसको बता दिया होगा और सबा ने उन तक बात पहुंचा दी। पैसे चाहिए ना, पैसे ले ले और ये बच्ची मुझे हमेशा के लिए दे दी बाजी। मैं तो कहती हूँ कि ओवर टाइम लगाना शुरू कर दो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पहले मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझसे काम नहीं हो पा रहा और तुम मुझे ओवर टाइम की बात कर रही हो। आंटी आप मुझे सड़कों पे मत लाया करें। बेटा मैं क्या करूँ, वो तुम्हारी चाची है ना, मैं तो यही चाहती हूँ कि बस तुझे अपने साथ ही रखूँ। अस्सलाम वालेकुम शौके। वालेकुम अस्सलाम। ठीक वक्त पर आया है साके, देख सामने सामने देख, शिकार खड़ा है। देख रहा हूँ देख रहा हूँ, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली, पूरा दिन इस बच्ची को साथ लेकर घूमती है, पता है तुम्हें? इसी बात का तो रोना है, बात नहीं करने देती मुझे उससे, साथ सारा दिन अपने साथ लेकर घूमती है। मैं आज तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, ये इससे ना भीख नहीं मंगवाती, बस ऐसे ही घूमती रहती है बस। पता है मुझे, निम्मो ने उसे अपनी बेटी बना लिया है। बस तो शौकी तू भूल जा इसको। कैसे भूल जाऊं, वो जो सोच रही है मैं वो करने नहीं दूंगा और जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं करके रहूंगा। माल बनाना है, पैसे बटोरने हैं। फिर तो शौकी तुझे इधर कुछ नहीं मिलेगा, ये मीरपुर खास है ना, ये बिल्कुल छोटा शहर है। तू ऐसे कर, इसे कराची ले जा, कराची बड़ा शहर है, बड़ा, वहाँ कमाई भी बहुत होती है। वही तो करना है, निम्मो अगर ना भी मानी ना तो ज्यादा इंतजार नहीं करूँगा, मैं वही करूँगा जो मैं करता हूँ। चलो शौकी आज मैं तुम्हें चाय पिला दूँ, क्या याद करोगे, आ जाओ। दिल खुश कर दिया तूने। तो फिर आप मुझे कराची छोड़ाए ना। कराची ले जाऊंगी। कब? क्यों, जाने की इतनी जल्दी है क्या? आंटी आपको पता है ना, वहाँ पे मेरी आप ही रहती हैं। बेटा आप ही तो हैं, पता है जब तुम अपनी आप ही के पास जाओगी ना तो वो तुम्हें मुझसे मिलने थोड़ी देगी, मेरा क्या बनेगा। हेलो। हाँ हाँ दिया, पड़ोस में गई है, आएगी तो बात करा दूंगी। सच्ची ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी, लेकिन हादिया के दाखले का क्या हुआ? आपने अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं उस बारे में। हो जाएगा दाखला, बेसब्री किस बात की है? सच्ची बात बेसब्री की नहीं है, बात वादे की पासदारी की है। जब मैंने आपको पैसे भिजवा दिए हैं, जितने आपने बोले थे उतने, तो फिर आप टाल मटोल से काम क्यों ले रही? ओहो ज्यादा बड़बड़ के बातें करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बातें करी जैसे मैंने कर्जा देना तुम्हारा। अरे कर्जा तो तुम लोगों ने देना है उल्टा हमारा। अरे करोड़ों की जायदाद पर हिस्सा डाल के बैठे हुए वो जुबैर और समीना, अरे उनको हिसाब देना है या नहीं देना? चची आप किस तरह बात कर रही है, और आप मुझसे जायदाद की बातें क्यों कर रही है? मैं तो आपसे हादिया की बात कर रही हूँ ना। ओहो देखो तो कैसे जबान खुल गई है, अरे तमीज नहीं है बात करने की बड़ों से। चची मैं तमीज से ही बात कर रही हूँ, आपको पता है मैंने 50,000 रुपए का इंतजाम कितनी मुश्किलों से किया था, और अब आपसे एक छोटा सा काम नहीं हो रहा। हाँ हाँ पता है, अरे अपनी बहन के लिए भिजवाए थे, हमारे लिए नहीं भिजवाए थे,
पता है ना कितना पानी की तरह पैसा बहा रहा है उस पे। और वैसे भी तुम सबने जो अजाब थोपा है ना मुझ पर, अरे अपनी बच्ची का पेट काटकर तुम हमारी बहन को पाल रही हो और फिर भी बातें सुना रही हो। इतनी 50,000 की रट क्यों लगा के रखी है और किसी अरसल के नाम पे भिजवाए थे, कौन है ये अरसल? अरे समीना या जुबैर का तो जानने वाला हो नहीं सकता। और वैसे भी तुम तो कोई काम करती नहीं, तो ये 50,000 तुम्हारे पास कहां से आए? अरे बोलो तो सही, खामोश क्यों हो गई? और वैसे भी समीना को पता है क्या कि किसी अरसल नाम के बंदे के हाथ पैसे भिजवाए तुमने? बताओ ना जरा। अल्लाह जाने क्या करतूत चल रहे हैं तुम्हारे वहां पर, बस देखने में तो नहीं लगती इतनी छात्र। सारे पर तो माँ बाप के मरने के बाद ही निकला है, अब आगे आगे देखो क्या क्या देखना पड़ता है। बस कर दे चच्ची, शर्म आनी चाहिए आपको इल्जाम लगाते हुए, मैं आपकी भतीजी हूँ। हाय हाय, हम क्यों करें शर्म? अरे शर्म करो तुम, शर्म करे समीना, अरे हमें तो बच्ची देखकर फंसा दिया। हम तो कहीं के नहीं रहे, अरे भीख मांगने के रह गए। और हाँ, कान खोल के सुन लो, अब आइंदा मुझे फोन किया ना 50,000 गिनवाए तो फिर मैं भी खुलकर ही आ जाऊंगी सामने। बड़ी आई, बंद करो, आइंदा फोन ना करना। हाय सबा, देख तो सही अब मैं क्या करती। मम्मी कैसी हैं आप? बस गुजर ही रही है, ठकरानी बन के गुजारा कर रही हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे ससुर ने मुझे इतना डांटा है ना। मैंने तो उनसे सिर्फ पैसों का जिक्र किया था जो उन्होंने अब्बू से लिए हैं। आप यकीन करें अम्मी कि मैंने तो उनका साथ भी दिया था कि उनको कुछ पैसे मिल जाएं और वो लड़की जिसकी वजह से यहाँ पे सारी मुसीबतें हैं वो इस घर से दफा हो जाए। सम्मी मैं आपको क्या बताऊं, इस घर में क्या क्या चल रहा है, उस लड़की ने यहाँ पर अजाब डाला हुआ है। हाँ अम्मी, वो ही पैसे जो अब्बू जुए में हार गए थे वो उन्हीं के बदले जो है वो सारा को देना चाह रहे थे। था नहीं बच्चा तो जी, अभी मैं करती हूँ आपसे, थोड़ी देर में बात करती हूँ। क्या हो रहा था ये? अपनी अम्मी से बात कर रही थी, क्या मैं अपनी अम्मी से भी बात नहीं कर सकती अब? नहीं मैं उसका नहीं, ये फेवर की क्या बात चल रही थी मैं ये पूछ रहा हूँ। फेवर? क्या मतलब, कौन सा फेवर? मैं किसी की फेवर क्यों करूंगी, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? उस पर शक कर रहे हो अजहर? बस इसी बात की कमी रह गई थी, करो शक, शौक से करो। तुम सबने मिलकर जितने जुल्म करने हैं ना मुझ पे, करो। अब तुम बात को मत छुपाओ नौरीन, जो पूछ रहा हूं ना उसका जवाब दो। तुमने अब्बू की क्या फेवर की है? अजहर मेरे बस में है ही क्या जो मैं उनकी फेवर करूंगी? अब्बू ने जो सारा के साथ किया है तुम उसमें शामिल थी? सच सच बताओ। देखो तुम सरासर इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने अपने कानों से सुना है। नौरीन मुझे सच सच बताओ वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बर्दाश्त नहीं करोगे, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। हाँ हाँ अपनी बीवी से ही पूछ रहा हूँ कि जिंदगी में एक बार अपने शौहर से तो सच बोलो। कौन सा सच अजहर, तुम तो ऐसे नहीं थे। देखो नौरीन सच सच बता दो वरना इस बार मुझे कोई इंतहाई कदम उठाने से नहीं रोक सकता। ये बताओ कि आमना को अरसल का कैसे पता चला? अब्बू
जब इंसान की किस्मत खराब हो ना तो जो काम उसने नहीं भी किया होता ना उसका भी इल्जाम उस पर लग जाता है। सभा, इतनी दूर तक बात कैसे पहुंची? जिस बात का डर था मुझे वही हुआ ना। पता है तुम्हें आमना का फोन आया था अभी, चीख चिल्ला रही थी कि तुमने उसे बदतमीजी की हो। सभा, तुमने लिहाज मुरव्वत सब छोड़ दिए। जो तुम मेरे साथ कर रही हो मैं तो बर्दाश्त कर रही हूँ, अब तुमने और लोगों के साथ भी फोन पर लड़ना शुरू कर दिया है। पप्पू आपको पता तो है मैं चच्ची को क्यों कॉल करती हूँ। हादिया के लिए करती हूँ कॉल, कि एक मिनट के लिए उससे बात हो जाए, बस हादिया को हौसला मिल जाए कि उसकी बड़ी बहन जिंदा है अभी। क्योंकि आप लोगों ने तो तहिया कर लिया है कि जिंदगी भर हमें मिलने नहीं देना आप लोगों ने। मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ? पप्पो मेरे दुख को समझे, मेरी बहनों के दुख को समझे। देखो सभा, तुम इस तरह चीख चिल्ला के असल बात छुपा नहीं सकती। पता है तुम्हें आमना ने अरसल का जिक्र किया है। मैं तुमसे सिर्फ यही बात पूछ रही हूँ कि आमना को अरसल का कैसे पता चला। अब अगर आमना को पता है ना तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि सबको पता चल जाएगा, और ये हमारे मुंह पे कालक है। पप्पो कुछ तो सोच ले आप, मुझे इस घर में सुकून का एक सांस लेने दे दे प्लीज। बार बार मरने से बेहतर है एक बार मार दें आप हम बहनों को। आप सबकी सुनती हैं, मेरी क्यों नहीं सुनती? इसलिए नहीं सुनती कि ये तुम्हारे करतूत है ना, ये सबको पता चल रहे हैं। और जवाब हमें देना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारे जवाब से तसल्ली हो जाएगी ना तो मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। मुझे कोई जवाब देना ही नहीं है पप्पू आपको। वाह वाह, बात तो सुन, ये गाड़ी वाले के साथ क्या बातें कर रहा था? जानती नहीं है क्या? पूरा शहर मुझे जानता है, छोटा सा तो शहर है, कोई ना कोई जानने वाला तो मिल ही जाता है। मेरा इसकी गाड़ी पर दिल आ गया है, सोच रहा हूँ ले लूँ इससे। क्या क्या फिर बोल, गाड़ी ले लूँ? तू गाड़ी लेगा? तोबा तोबा, सारी जिंदगी भीख मांग कर पले हो, दूसरे टुकड़ों पे अभी तक पल रहे हो और ख्वाब, ओ हो, गाड़ी लेने के ख्वाब देख रहे हो, वाह। अब मुझे पता है वो हालात नहीं है मेरे। अगर ये गाड़ी मेरे पास आ गई ना तो तुम दोनों को इसमें बिठा कर मैं घुमाऊंगा। क्यों हादिया बेटा, जाएगी ना कराची? नहीं नहीं, हादिया नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। हाँ, ऐसी झूठी बातें ना किया कर हमसे, समझे? नहीं करूंगा, फिर तू भी मेरे सामने झूठ बोलना छोड़ दे वरना नुकसान उठाएगी। क्या झूठ बोला है मैंने? अच्छा चल छोड़, ये बता कितना कमाया अब तक? अब कुछ भी नहीं मिल रहा। शकी बात सुन, इस बच्ची के सामने ऐसी बातें नहीं किया कर। ठीक है, नहीं करता, शाम को हिसाब करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, शाम को हिसाब दे दूंगी। हादिया बेटा आओ, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। चाचा आइसक्रीम खुद जाकर खा, ये कहीं नहीं जाएगी। आइसक्रीम खिला रहा है बेटा, जब भी बोले ना नहीं जाना किसी के साथ, ठीक है? बस मेरे साथ ही रहा करो। जुबैर तुमने जो भी किया, अब मकान तो मैं ही बिकवाऊंगा, मैं देखता हूं तुम कैसे रोकते हो। अरे भाई चाय लेके आओ, बहुत देर से चाय नहीं पिए, समझ नहीं आ रहा है कुछ। चाय सारा लेकर आ रही है। अब फिर मेरे सामने अपने अब्बा का दुखड़ा और पैसों का तस्करा मत करना बस। अब वो बात ना पैसों से बहुत आगे बढ़ गई है। क्यों, तुम्हारे अब्बा का कोई फोन आया क्या? अब वो मेरा घर टूटने की नौबत आ गई है। अजहर को पता चल गया है कि मैंने आपका साथ दिया था। किस चीज में साथ दिया था?
अबू ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे सारा के मसले की बात कर रही हूँ। नहीं, सारा को क्या हुआ? वो घर में सुकून से तो है। अबू मेरा सुकून बर्बाद होने जा रहा है, मुझे आपका साथ ही नहीं देना चाहिए था। अच्छा, अब तुम भी मुझे सुनाओगी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मेरा साथ दिया है? ये तो तुम्हारा दावा है ना, हकीकत क्या है बात की? और वैसे भी मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूं कि बड़ों के सामने आवाज को नीचा रख के बात करते हैं। अबू ऐसा तो ना करें, मैं ही थी जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी हुई थी। अबू आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे अब बात करनी ही पड़ेगी। सारा को अगवा करने में मैंने ही आपका साथ दिया था और इस बारे में कोई नहीं जानता। अच्छा वाह कि तुमने अपनी जबान से इकरार कर लिया। तो मुलजिम तो तुम हुई ना, मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही? जुर्म तो तुमने किया है, मैंने क्या किया? अरे मैंने तो सिर्फ बाजार जाने की इजाजत दी है ना, सारा प्लान तो तुम्हारा था। तुम खुद ही सबको बता दो अपनी तरफ से, मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ। तुम सारा को बाजार लेके गई थी ना, क्या मुझे बता के गई थी कि तुम वहां जाके उसे अगवा करवाओगी, या मैंने तुमसे कहा था ये? कितना बड़ा इल्जाम है ये। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि समिया मान लेगी ये बात तुम्हारी? समिया देखो मेरे घर पे ना होने से इतना परेशान हो गई, सरबरा हूं इस घर का मैं, ये घर मेरे दम से खड़ा है। ये चोर सिपाही वाला खेल मेरे साथ मत खेलो, सबूतों पे बात करो, सबूतों पे। अबू ये आप ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। देखो नौरी, अजहर को तुम पे शक हुआ है तो तुमने खुद करवाया, और अगर कोई ऊंच नीच हुई ना तो मैं तो साफ मुकर जाऊंगा, कहूंगा मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं, और तुम फंस जाओ। समझ रही हो ना मेरी बात? नहीं समझ रही हो तो समझ लो, बैठ के गौर करो, सोचो। अच्छा जरा चाय तो पिलवा दो, जरा मजे मजे की चाय हो जाए। चलो चाय पिलवाओ। लगता है कॉलेज जाने का इरादा है आपका। वैसे ये कौन सा टाइम है कॉलेज जाने का? इस टाइम पे तो शहर के सारे कॉलेज की छुट्टी का टाइम होता है। अब आपको बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आपको बस एक मशवरा दे सकता हूँ, अपनी गाड़ी में आपको कॉलेज छोड़ सकता हूँ।
देखिए मिस्टर हारिस, मैं खुद कॉलेज जा सकती हूँ, आपको कोई जहमत करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज ही जा रही है ना? क्या मतलब है आपका? देखिए हारिस, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए। नहीं नहीं, आप नाराज क्यों होने लग गई हैं? मैं तो अभी आया हूँ, आप पता नहीं किसका गुस्सा मुझ पे उतार रही हैं। अगर आपकी बातें हो गई हो तो जाऊं मैं। मेरी बात? अरे हारिस मियां, वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम मामू। असल में घर में ना दिल नहीं लग रहा था मेरा, तो सोचा आपसे मुलाकात कर लूं, लेकिन इनसे मुलाकात हो गई तो मैं इनको ऑफर करा दी कि मैं कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ हाँ भाई, तो छोड़ा हो इसे, उसके बाद गपशप करते हैं। लेकिन मसला है ना मामू, सबा जी ने मना कर दिया है। पापा मुझे अपनी सहेली के पास जाना है, मैं वहीं से चली जाऊंगी। अरे मना कौन कर रहा है, हारिस छोड़ देगा तुम्हें, और वैसे भी घर से निकलते वक्त एक मर्द का होना बहुत जरूरी है, और ये तो घर का ही नेक बच्चा है भाई। बिल्कुल, दुनिया मिसालें देती है मेरी। अरे ठीक कह रहा है ये, इसके नाम की तो वेलफेयर तंजीम बनाई है हमारे बहनोई ने, अब सोच लो कितना नेक बच्चा है। लेकिन पापा, मैं कह रहा हूँ सबा, जिद नहीं करो, जाओ इसके साथ, जाओ शाबाश। आए अरे सर, बच्ची आपने देख ली है, 2,00,000 रुपए एडवांस और 30,000 महीने के देना पड़ेंगे। अगर बोलोगे तो बच्ची ले आऊंगा। अरे सर, पूरे घर का काम करती है, आपका पूरा घर संभालेगी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब तो तुम्हारे खालू ने भी बोल दिया है, तुम आराम से इस घर में रह सकती हो, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना, अगर मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ बोल दिया हो तो। नहीं खाला, आपकी वजह से तो मैं इस घर में हूँ, और अजहर भाई मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं, अगर आप कहें तो मैं सिलाई का काम शुरू कर दूँ। क्यों, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सिलाई करने की, आई बात समझ में? खाला, खालू ने ना मुझे एक मैडम का कार्ड दिया था, मैं उनसे फोन पे बात कर लूँ, मुझे अपना काम बहुत अच्छे से आता है। पता है मुझे, सुल्ताना ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छे से की है, मेरी तीनों भांजियां हीरा हैं हीरा, बस खुदा तुम जैसा दुख किसी को ना दिखाए। अम्मी मेरे साथ जो इस घर में सुलूक हो रहा है ना, मुझे लगता है मुझे अपने अम्मी अब्बू को बुलाना ही पड़ेगा, वही आकर अब फैसला करेंगे। तुम फिर शुरू हो गई, अब क्या हो गया? जिसे देखो इस घर में मुझे ही बातें सुनाता है, मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं, और अब तो हद हो गई है कि मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं झूठी हूं। मैं कब से बर्दाश्त कर रही हूं अम्मी, और अब मेरी बर्दाश्त की हद जो है ना वो पार हो चुकी है। जिस दिन मैंने अपनी जुबान खोल दी ना, तो आप लोगों की इज्जत 2% की रह जाएगी, एहसास ही नहीं है किसी को इस बात का। नौरीन, हर 2 दिन बाद तुम्हें क्या दोहरा पड़ जाता है? वो अच्छा बनने का ड्रामा क्या था? हम भी सर पे तेल लगा दूं, दूध गर्म कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। बोल दें, आप भी उसको ड्रामा ही बोल दें, मैं तो इस घर का भला सोच रही थी अम्मी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस घर के बारे में कुछ भी अच्छा सोचना चाहिए, और ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब आपकी इस लाडली भांजी सारा की वजह से हुआ है। अजहर और अब्बू दोनों मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं, और मुझे झूठा बोल रहे हैं वो, और ये सब कुछ इस चुड़ैल की वजह से हो रहा है। जब से ये इस घर में आई है ना, मेरा सुकून बर्बाद हो चुका है। नौरीन, जबान संभाल के बात करो। नहीं संभलती मुझसे अपनी जुबान, इसको तो नहीं छोड़ूंगी जो आपकी लाडली है, मर जाना चाहिए इसे। अरे छोड़ो इसे, मैं बात करूंगी। छोड़ो। नहीं अम्मी, इसको अभी के अभी इस घर से निकाले आप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम चलो निकलो यहां से, निकलो मेरे घर से, निकलो। नौरीन, क्या हो रही है? अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए, आज के आज फैसला हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, कर दूंगा तुम्हारा फैसला। फैसला आज और अभी होगा, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं। अपनी बकवास बंद रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है,
समझ गई मैं, अगर ये इस घर में रहेगी ना तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी आज ही। नौरीन, नौरीन बात सुन, नौरीन, नौरीन। घर छोड़ाओ। हाँ बेटा, मैं तुझे खुद घर छोड़कर आऊंगी, ठहरो नहीं। और हाँ, घर पे कोई बात हो ना तो मुझे जरूर बताना, मैं खुद ही निमट लूंगी, ठीक है ना? मैं तुझे छोड़ाऊंगी। जुबैर, जुबैर कहाँ चली गई थी भाई तुम? उस सभा कॉलेज जा रही थी, अब तो इजाजत लेने की भी जहमत गवारा नहीं करती हूँ। वो तो हारिस जा रहा था, मैंने उसके साथ जबरदस्ती भेज दिया। वैसे तो तुम जानती हो उसका बर्ताव मेरे साथ कैसा है। इसीलिए तो गई थी दुआ करवाने, ताकि उसके दिल और दिमाग को सुकून मिले। आमीन। तुम क्या कर रहे थे सभा के कमरे में? वो देखो भाई, समीना बेगम बुरा ना मानना, मैं उसके कमरे की तलाशी ले रहा था। क्यों? क्या पता भाई उसने कुछ छुपा के रखा हो। वैसे जो आजकल उसके तेवर हैं, वो कुछ भी कर सकती, कुछ भी कहीं रख सकती है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा नहीं लग रहा सुबैर, लेकिन मुझे भी पता नहीं क्या क्या सोचना पड़ रहा है। मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था किस तरह के हालात हो जाएंगे। खैरियत तो है भाई, क्या हो गया? खैरियत कहाँ है, आमना का फोन आया था, वो कह रही थी कि ये उससे भी बदतमीजी कर रही थी फोन पर। वाह, जैसे खुद तो आमना बेगम ने तहजीब और तमीज का कोई मेडल पहन रखा है। अब इतना भी सभा ने कुछ नहीं कहा होगा कि जिसको बदतमीजी शुमार किया जाए। कह रही थी कि बहुत चीख रही थी, लेकिन जुबैर असल बात कुछ और है। हादिया को लेकर आ रहे होंगे? नहीं, तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम भी हैरान हो जाओगे। सभा से पूछो ना तो वो साफ जवाब दे देती है, जैसा कि वो करती है। तो क्या मैं 10 सवाल करूं इसके लिए? कोई पहली या कोई कसौटी खेल रही हो क्या? भाई खुल के बताओ क्या बात क्या है। वो पता है जुबैर, उसे ना अरसल के बारे में पता चल गया है। क्या? वो उसे कैसे पता चला? जब भी तो मैं हैरान हूं कि वो वहां मीरपुर खास में बैठी है, उसे कैसे पता चल गया? तो इसका मतलब है कि कहानी जो है वो किसी और ही रुख पर जा रही है। इतनी सी छटाक भर लड़की ने हमारा नाक में दम कर रखा है, मतलब खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। अब सोचो अगर आमना को पता चल गया तो ना जाने किस किस को पता चल जाए। यही तो जुबैर। अरे फिर तो जरीना और हारिस को भी पता चल जाए, फिर क्यों वो देंगे रिश्ता? मोहल्ले में अलग बदनामी होगी हमारी। समीना, ये तो अब तय हो गया,
कि ये लड़की किसी भी वक्त कोई भी कदम उठा सकती है। तो फिर क्या करें जुबैर? फिर चट मंगनी पट ब्याह।